हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू फार्मेसी क्लासेस बाय आरती मैम। तो आज हम कर रहे हैं जो AKTU का बी फार्मा फिफ्थ सेमेस्टर का मेडिसिनल केमिस्ट्री का पेपर आया था 2020 और 21 में, इसको सॉल्व। तो इसका जो ए सेक्शन था उसका वीडियो ऑलरेडी आ चुका है। आज हम जो सेक्शन बी है इसका एक क्वेश्चन करवाएंगे, और इसके बाद में जो 2019 और 20 वाला पेपर था ये भी ऑलरेडी पूरा का पूरा पेपर सॉल्व हो चुका है। अगर आपने इसके भी सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाके देख लीजिएगा। अभी हमने ये वाला पेपर स्टार्ट कर दिया है मेडिसिनल केमिस्ट्री का, जो 2020-21 में आया था। तो चलिए पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सेक्शन बी का एक क्वेश्चन करेंगे आज। जो एक क्वेश्चन आया था ये था, क्लासीफाई एंटी हिस्टेमिनिक्स एजेंट विद देयर केमिकल स्ट्रक्चर। और इसके बाद में है हमें सार भी बताना है एंटी हिस्टामिन्स का, और इसके बाद में है सिंथेसिस और यूजेस बताने हैं सिमेटिडीन के। ठीक है, अब देखिए जो एंटी हिस्टामिन होते हैं ना, यानी जो हिस्टामिन ब्लॉकर होते हैं, वो बेसिकली दो तरह के होते हैं, जिसमें से एक होता है H1 ब्लॉकर और एक होता है H2 ब्लॉकर। ठीक है, ये शायद आपको पता होगा, ये होता है H2 ब्लॉकर। इसमें से जो H1 ब्लॉकर होते हैं ना, ये होते हैं यूज एलर्जी में, और जो H2 ब्लॉकर होते हैं ये होते हैं यूज एसिडिटी में। ठीक है, अब यहाँ पे ना ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन में ना थोड़ा सा मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी गलत है, लेकिन है ना थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूज़न डाला हुआ है, थोड़ी सी गलत चीज़ भी है मेरे हिसाब से। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि जो H1 ब्लॉकर होते हैं ना, हम इनको ही बोलते हैं एंटी हिस्टामिन। ठीक है, हम कभी भी H2 ब्लॉकर को हम कभी भी एंटी हिस्टामिन नहीं बोलते हैं, इनको सीधा सीधा H2 ब्लॉकर ही बोला जाता है, इनको कभी भी एंटी हिस्टामिन नहीं बोलते हैं। अब अगर आप क्वेश्चन में देखोगे, यहाँ पर इन्होंने एंटी हिस्टामिन की बात करी है, और एंटी हिस्टामिन की बात करी है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये H1 ब्लॉकर के बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में इन्होंने सार पूछा है एंटी हिस्टामिन का, मतलब सार पूछा है H1 ब्लॉकर का। ठीक है, यहां पर इन्होंने सिंथेसिस पूछी है सिमेटिडीन की, तो सिमेटिडीन जो होता है ये H2 ब्लॉकर होता है। जैसे कि मैं आप लोगों को बता रही थी अभी कि H2 ब्लॉकर को हम हमेशा H2 ब्लॉकर ही बोलते हैं, इनको हम कभी भी नहीं बोलते हैं एंटी हिस्टामिन। ठीक है, एंटी हिस्टामिन हम सिर्फ और सिर्फ H1 ब्लॉकर को ही बोलते हैं। तो यहां पर या तो ये इन्होंने गलती से दे दिया होगा, या आई डोंट नो जो भी रीजन होगा, है ना, पर हमें यहाँ पर करना क्या है, जो इन्होंने पूछा है हम सिंपली वही ही आंसर करेंगे इसको, कि एंटी हिस्टामिन एजेंट का क्लासिफिकेशन बताएंगे, यानी कि हम यहाँ पर H1 ब्लॉकर का क्लासिफिकेशन बताएंगे। इसके बाद में सार जो है वो भी एंटी हिस्टामिन का पूछा है, तो इसमें हम सार भी H1 ब्लॉकर का ही बताएंगे यहाँ पर। ठीक है, सार भी किसका बताएंगे, H1 ब्लॉकर का ही। इसके बाद में इन्होंने पूछा है सिंथेसिस और यूजेस सिमेटिडीन के, तो हम सिमेटिडीन के ही सिंथेसिस और यूजेस भी बताएंगे। ठीक है, सिमेटिडीन के ही, H2 ब्लॉकर है ये, तो इसी की सिंथेसिस और सिमेटिडीन बताएंगे, पर बाकी सब हम H1 ब्लॉकर के बारे में ही बात करेंगे। अब यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे, तो सबसे पहले इन्होंने वैसे पूछा है स्टार्टिंग में ही क्लासिफिकेशन, पर हम जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि थोड़ा सा इंट्रो दे देना चाहिए, अच्छा रहता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि जो एंटी हिस्टामिन होते हैं वो क्या होते हैं। एंटी हिस्टामिन वो ड्रग्स होते हैं जो इनहिबिट कर देते हैं फिजियोलॉजिकल एक्शन हिस्टामिन के, ब्लॉक करके H1 रिसेप्टर को। ठीक है, जितने भी एक्शन हिस्टामिन H1 रिसेप्टर से बाइंड होने के बाद देता है, वो सारे के सारे फंक्शंस ब्लॉक हो जाते हैं, वो सारे के सारे एक्शंस ब्लॉक हो जाते हैं, क्योंकि हम H1 ब्लॉकर दे देते हैं, तो वो H1 रिसेप्टर को जाके ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, अब यहां पर हम करेंगे क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन हम करेंगे H1 ब्लॉकर, इसीलिए मैंने यहां पर ये स्पेसिफाई भी कर दिया है H1 ब्लॉकर या एंटी हिस्टामिन एक ही बात होती है। ठीक है, इसीलिए स्पेसिफाई कर दिया है, आप लोग भी इस तरह से ही लिखना। अब ये जो H1 ब्लॉकर या एंटी हिस्टामिन होते हैं ये दो तरह के होते हैं, फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जो फर्स्ट जनरेशन होते हैं ये सेडेशन कॉज करते हैं, यानी जब भी हम इनको खाएंगे हमें थोड़ी बहुत नींद आएगी, जबकि जो सेकंड जनरेशन वाले होते हैं ये सेडेशन नहीं करते हैं ना, और करते भी हैं तो बहुत ही ज़्यादा कम करते हैं, जिसका हमें पता भी नहीं चलेगा। चलिए, तो अब हम देखते हैं जो फर्स्ट जनरेशन है इसको फिर से तीन में डिवाइड करा गया है। हाईली सेडेटिव जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा ब्रेन में चले जाते हैं, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा सेडेशन कॉज करते हैं। मॉडरेटली सेडेटिव जो होते हैं ये उतना ज़्यादा सेडेशन नहीं कॉज करते हैं, और जो माइल्ड सेडेटिव होते हैं ये बहुत हल्का सा सेडेशन कॉज करते हैं। ठीक है,
इसके बाद में जो हाईली सेडेटिव है उसके ड्रग्स आपको याद कैसे करने हैं उसका तरीका बताती हूँ। देखो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, प्रोमेथाजीन जो है इसको सबसे पहले याद रखिएगा। प्रोमेथाजीन, प्रो का मतलब होता है सबसे पहले वाला, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यही ही याद करना है, प्रोमेथाजीन, इसके साथ में ही हाइड्रोक्सीजीन याद कर लेना, दोनों साथ साथ में, तो प्रोमेथाजीन हाइड्रोक्सीजीन। उसके बाद याद करना दूसरे नंबर पर आपको क्या याद करना है, डाई, है ना, और डाई का मतलब भी तो दो ही होता है, तो दूसरे नंबर पे यानी सेकंड नंबर पे आपको डाई वाला याद करना है, डाइफेनहाइड्रामीन और डाइमेनहाइड्रिनेट, ठीक है, ये याद हो जाएंगे, प्रोमेथाजीन हाइड्रोक्सीजीन, फिर दूसरे नंबर वाले मतलब डाई, डाइफेनहाइड्रामीन और डाइमेनहाइड्रिनेट, ठीक है। इसके बाद में आपको याद करना है यहां पर ये फिनेरामीन और सिप्रोहेप्टाडीन एक साथ याद कर लीजिए, उसके बाद में याद कर लीजिए एमसीबी, और एमसीबी वाले ड्रग जो हैं एक जैसे हैं, जैसे मैक्लिजीन, बुक्लिजीन और सिनेरिजीन, तो ये एमसीबी करके याद रख लेना, पहले मैक्लिजीन फिर सिनेरिजीन और फिर बुक्लिजीन। इसके बाद में आते हैं माइल्ड सेटेटिव, माइल्ड सेटेटिव में आपको याद क्या करना है, सबसे फर्स्ट ड्रग तो ये फिनेरामीन से ही है, फिनेरामीन में बस आपको क्लोरल लगा देना है, है ना, और ये आपकी बन गई क्लोर फिनेरामीन। नेक्स्ट ड्रग मेथडाइलाजीन है, फिर मेपाइरामीन है, तो दोनों एमएम से हैं, याद हो जाएंगे। इसके बाद में आपको क्या करना है, पहले दो वाला याद करो मतलब डाइमेथिनडीन, और उसके बाद में तीन वाला याद करो मतलब ट्राइप्रोलिडीन, और फिर हैं दोनों सीसी से यानी साइक्लिजीन और क्लेमेस्टीन, ठीक है। इसके बाद सेकेंड जनरेशन याद करेंगे, इसमें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ड्रग होते हैं, देखो टर्फेनाडीन और फेक्सोफेनाडीन जो है ना, इनके एडवर्स इफेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये ड्रग भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। एस्टिमाइजोल, लोरेटाजीन, सिट्रीजीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ड्रग होती है, सिट्रीजीन बहुत ही ज्यादा, एजलास्टिन और एवेस्टिन, तो ये वाले याद कर लेना। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं इनके केमिकल स्ट्रक्चर्स के ऊपर, क्योंकि हमें केमिकल स्ट्रक्चर्स भी पूछे हैं। अब देखिए यहाँ पर जो केमिकल स्ट्रक्चर्स है ना, वो भी मैंने ऐसे बनाए हैं, जो इजी हैं वो ले लिए हैं, जो सेम है, थोड़ा बहुत डिफरेंट है, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है, मैंने वो वाले ले लिए हैं। जैसे ये वाला तो आपने अगर ए सेक्शन किया हुआ है, तो ये वाला और ये वाला तो मैंने वहां पे डिस्क्राइब करे हुए हैं, ठीक है। जैसे यहां पर आप देखोगे ये वाले दोनों स्ट्रक्चर सेम ही हैं, बस ये वाला और ऐड कर देना है आपको, ये वाला स्ट्रक्चर तो सेम ही है, ये वाला, ये और आपको ऐड कर देना है इसमें। और मैंने बोला था उस दिन कि यहाँ पर CH3 ग्रुप होगा ना, ये लिखा नहीं है पर ऐसे लिख भी सकते हैं इसको, है ना। तो यहाँ पर जो H लगा हुआ है ये वाला, उस H की जगह आपको बस DD ही तो लगाना है इधर, ठीक है। और यहाँ पर भी आपको याद रखना है कि जहां पर भी हम H लगाते हैं, CH3 ग्रुप ही है ये, वहां पर आपको DD लगा देना है, ड्यूटेरियम लगा देना है, ठीक है। इसके बाद में अगर आप ए सेक्शन में भी ये नहीं याद करना चाहते हैं, आपको ये वाला स्ट्रक्चर टफ लग रहा है, तो आप चाहें तो वहां पर इसको भी याद कर सकते हैं, है ना, क्योंकि ये वाले जो दोनों स्ट्रक्चर हैं, जैसे आप देखोगे ये वाले दोनों स्ट्रक्चर ना सेम है, बस इनमें डिफरेंस क्या है, एक तो इस नाइट्रोजन का डिफरेंस है और दूसरा यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है इसमें, है ना, बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस है ही नहीं। तो डाइफेनहाइड्रामीन और फिनेरामीन, इन दोनों को एक साथ याद कर लीजिएगा, ये वाला टफ लगे इसको देना छोड़, ठीक है, इसको मत लिखिएगा, यहां पर भी मत लिखिएगा, वहां पर भी नहीं लिखिएगा। अगर आपको इजी लगता है, जैसे यही तो स्ट्रक्चर याद करना है, बस प्यूरिन का स्ट्रक्चर है ये, उसमें एक आध चीजें ऐड हो रही हैं, तो प्यूरिन का स्ट्रक्चर याद करना, अगर आपको प्यूरिन का स्ट्रक्चर अच्छे से आता बनाना तो आप ये भी याद कर सकते हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट आते हैं, ये नीचे वाले जो सारे जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं ये बहुत ही ज्यादा इजी हैं, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है सब में। जैसे आप साइक्लिजीन के अंदर देखेंगे तो देखिए जितने भी H1 एंटीहिस्टामिन होते हैं ना, उनमें ये वाली दो रिंग तो आपको हमेशा मिलेंगी ही मिलेंगी, ये तो आप आगे सार भी पढ़ेंगे उसमें आपको समझ आ ही जाएगा कि दो एरोमेटिक रिंग यानी दो फिनाइल रिंग तो आपको बनानी ही बनानी है, तो ये वाली दोनों रिंग तो आप बना ही लेंगे। इसके बाद में आपको याद क्या करना है, यही वाली रिंग तो एक याद करनी है, और इसमें बस सिंपल सा ये वाली रिंग है, दोनों साइड में नाइट्रोजन लग रहे हैं और एक मिथाइल ग्रुप है ये वाला, है ना, तो ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है। इसके बाद में आपको क्या याद रखना है, साइक्लिजीन के बाद में मैक्लिजीन का स्ट्रक्चर याद करिएगा, और क्यों याद करिएगा, देखिए बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है, कहां तक, यहां तक जो है ये एकदम सेम स्ट्रक्चर है, ठीक है, और यहां तक यही नहीं, ये देखेंगे आप तीनों स्ट्रक्चर है ना, यहां तक एकदम सेम स्ट्रक्चर है, है ना। अब देखिए आपको करना क्या है, जैसे यहां पर क्या करना है आपको, इसके अंदर दो चीजें याद रखनी है, ये डिफरेंट कलर से बता देती हूँ, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। यहाँ पर आपको लगाना है एक क्लोरीन ग्रुप और यहाँ पर आपको लगाना है ये वाला बेंजीन ग्रुप, ठीक है। इसमें आप यहाँ पर देखेंगे ये वाले स्ट्रक्चर जैसा ही ये स्ट्रक्चर बना दो, सेम टू सेम, बस आपको करना क्या है, यहाँ पे इसको हटा के आपको क्या ऐड करवाना है, ये ग्रुप ऐड करवाना है, ठीक है। इसके बाद में आप सिनेरिजीन इसके बाद में याद करेंगे, तो सिनेरिजीन में देखो आपको यहां पर बेंजीन रिंग के अंदर यहां यहां कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं करवानी है, जबकि आप यहां 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 की जगह आपको कहां पे सब्स्टिट्यूशन करवानी है, देखो यहां पर ये वाला जो रिंग है यहां पर, ये इतना तो सेम हो गया,
और यहाँ पर ये वाला जो रिंग है ना, वो ये यहाँ पे एक थोड़ा सा बढ़ गया है, एक और कार्बन बढ़ गया है और एक डबल बॉन्ड बढ़ गया है। तो आपको इस वाले स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पे ये चीज याद रखनी है बस, ठीक है। तो एक जैसे ही स्ट्रक्चर है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, वो आप लोग देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, हमें क्या पूछा है, सार पूछा है, ठीक है। तो सार पढ़ेंगे एंटी हिस्टामिन्स का या एंटी हिस्टामिनिक्स का। तो सार जो होता है ना, उसमें ये वाले स्ट्रक्चर तो होंगे ही होंगे। जैसे मैं भी थोड़ी देर पहले ही बता रही थी कि दो एरोमेटिक ग्रुप होंगे या दो एराइल रिंग होंगे, और एराइल रिंग मतलब दो फिनाइल ग्रुप यहाँ पे जरूर होंगे, ठीक है। दो फिनाइल ग्रुप या दो बेंजाइल रिंग यहाँ पर होंगे। तो ये रहा हमारा फिनाइल रिंग या बेंजाइल रिंग, दो होंगे ये हमेशा। अब इन दो रिंग के जस्ट बाद में होता है एक्स, और एक्स एक्स को हम क्या बोलते हैं, एक्स को हम बोलते हैं कनेक्टिंग एटम, ठीक है। तो ये हो गया कनेक्टिंग एटम, और ये जो कनेक्टेड एटम है ये कुछ भी हो सकता है, एक्स की जगह पे सी भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है और एन भी हो सकता है। इन तीनों जगह में से कुछ भी हो सकता है एक्स की जगह। इसके बाद में एक आती है ये कार्बन चेन, और ये जो कार्बन चेन है ये मोस्टली तो इथाइली होती है, यानी दो कार्बन ही होंगे यहाँ पर, इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बन चेन। अब ये कार्बन चेन हो गई, कार्बन चेन के बाद में यहाँ पर एक ये नाइट्रोजन या अमीन ग्रुप होता है, और ये है ना जरूर होना चाहिए टर्शियरी, ठीक है, टर्शियरी बोल सकते हैं इसको। तो ये टर्शियरी अमीन ग्रुप होना चाहिए, टर्शियरी नाइट्रोजन होना चाहिए। तो इतनी चीज हर एक एंटीहिस्टामिन के अंदर होती ही होती है। अब हमने यही वाली चारों चीजें यहाँ पे लिख ली हैं। जैसे सबसे पहले एराइल ग्रुप होंगे, और ये कितने होंगे, हमेशा दो होंगे, आप चाहें तो ब्रैकेट में ऐसे टू भी लिख सकते हैं। सेकेंड नंबर पे कनेक्टिंग एटम होगा, जो कि क्या क्या हो सकता है, ओ भी हो सकता है, सी भी हो सकता है और एन भी हो सकता है। थर्ड नंबर पे एक कार्बन चेन होगी, जो कि यूजुअली इथाइल होती है, यानी कि दो कार्बन की होगी हमेशा, ठीक है। फोर्थ नंबर पे है एक बेसिक अमाइन ग्रुप होता है, ठीक है, जो कि टर्शियरी होना चाहिए नेचर में। इसके बाद में अब बस आपको यही ही याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट नंबर पे एराइल ग्रुप, तो एराइल ग्रुप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है H1 एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी के लिए। अगर ये एराइल ग्रुप हमने दोनों हटा दिए या एक भी हटा दिया, तो H1 रिसेप्टर से जाके ड्रग बाइंड ही नहीं होगी, और अगर बाइंड नहीं होगी तो उसको ब्लॉक कैसे कर पाएगी, ठीक है। तो जनरली दो फिनाइल रिंग होती हैं, जैसे कि डाइफेनहाइड्रामीन, तो चाहो ऊपर डाइफेनहाइड्रामीन का स्ट्रक्चर दे रखा है आपको, वो वहां पे याद तो हो ही जाएगा, तो चाहो तो आप यहां पर भी उसको दे सकते हो, ठीक है। इसके बाद में दो रिंग जो होती हैं, अगर वो फ्यूज हो जाए तो तीन रिंग स्ट्रक्चर बन जाती है, यानी कि देखो ये रही एक एरोमेटिक ग्रुप, एक ये रहा एरोमेटिक ग्रुप, और ये फ्यूज हो गया जब, तो अभी ये टोटल कितने रिंग हो गए, तीन रिंग हो गए, ठीक है, तीन रिंग हो जाती हैं। जैसे कि प्रोमेथाजीन, ये प्रोमेथाजीन का स्ट्रक्चर याद कर लेना, क्योंकि दो तीन जगह अभी ये आने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया प्रोमेथाजीन का स्ट्रक्चर। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट चीज है वो है कि ऑर्थो और मेटा सब्स्टिट्यूशन अगर हम करते हैं एराइल ग्रुप पे, तो रिड्यूस हो जाती है एंटी हिस्टामिन एक्टिविटी, ठीक है। आप यहां पर देखेंगे जितने भी स्ट्रक्चर आपने देखे हैं, वहां पर कभी भी यहां पर और यहां पर सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रही होगी, ऑर्थो और मेटा पोजिशन पे हो रही होगी, तो यहां पर हो रही है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ क्लोरीन की हो रही है। जैसे मैं आपको दिखा भी देती हूँ थोड़ा सा तसल्ली के लिए, जैसे देखिए यहां पर आप देखेंगे ये वाला क्या हो गया, ऑर्थो पोजीशन, ये क्या हो गई, मेटा पोजीशन, ये क्या हो गई, ऑर्थो पोजीशन, ये क्या हो गई, मेटा पोजीशन। यहां पर कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, जो सब्स्टिट्यूशन है वो कहां पर है, तो सब्स्टिट्यूशन है पैरा पोजीशन पे, ठीक है। कहां पर है सब्स्टिट्यूशन, पैरा पोजीशन पे है, यहां पर भी पैरा पोजीशन पे है, तो ऑर्थो और मेटा पोजीशन पे कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके बारे में कि ये प्रोमेथाजीन का स्ट्रक्चर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये और भी आएगा अभी आगे, ठीक है। इसके बाद में जो सेकंड चीज थी वो थी कनेक्टिंग एटम एक्स, ठीक है। तो एक्स एटम जो होता है वो कनेक्ट करता है सबसे पहले तो एरोमेटिक रिंग को किसके साथ, कार्बन चेन के साथ, है ना। यहां पर ये वाला है ना एटम, वो कनेक्टिंग एटम एक्स, तो ये ज्वाइन करवाता है या ये कनेक्ट करता है साइड चेन को एरोमेटिक टेल के साथ में, ठीक है। जैसे ये क्या क्या हो सकता है, तो ये सी हो सकता है फिनेरामीन में, ये फिनेरामीन का स्ट्रक्चर है और यहां पर क्या है, सी है, ठीक है। और ये ओ हो सकता है डाइफेनहाइड्रामीन में, तो ये है ओ, और ये क्या है, यहाँ ये किसमें है, डाइफेनहाइड्रामीन में, और ये थोड़ा देख लीजिएगा, ये यहां पर नहीं आएगा, ये यहां पर आएगा सी, ठीक है, ये आएगा यहां पर, क्योंकि ये कनेक्ट करता है इथाइल कार्बन वन और कार्बन टू, जबकि यहां पर कार्बन वन कार्बन टू ये दोनों है कार्बन, तो ये हो गया यहां पर ऑक्सीजन डाइफेनहाइड्रामीन में, ठीक है। इसके बाद में चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं,
और नेक्स्ट है कार्बन चेन। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे कार्बन चेन और कितनी थी मोस्टली कार्बन चेन, कार्बन चेन दो कार्बन चेन होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है, यानी दो कार्बन होने चाहिए, बस इथाइल ग्रुप होना चाहिए। तो कार्बन चेन जो होती है वो यूजुअली इथाइल होती है, ठीक है, मैथ एथ इथाइल में दो कार्बन होते हैं। ये सैचुरेटेड भी हो सकती है यानी कि डबल बॉन्ड नहीं होगा वहां पर, अनसेचुरेटेड भी होगी यानी कि डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ब्रांच्ड भी हो सकती है और रिंग का पार्ट भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे इथाइल ग्रुप ये है, यहाँ पर आप देखेंगे इथाइल ग्रुप ये है, ठीक है, जो हम कार्बन चेन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये कैसा है, अनब्रांच्ड है, अनब्रांच्ड है और सैचुरेटेड है, ठीक है, क्योंकि डबल बॉन्ड है ही नहीं। और अगर आप चाहें तो वहां पर ऐसे लिख भी दीजिएगा, अगर आपको और अच्छे से सजाना है और अच्छे से लिखना है, तो यहां पर देखेंगे आप, यहां पर भी ये अनब्रांच्ड है और सैचुरेटेड है क्योंकि कोई डबल बॉन्ड है ही नहीं। लेकिन आप यहां पर देखेंगे इस कार्बन चेन को, तो यहां पर देखो ये CH3 लग रहा है ना, अब ये क्या हो गई, ये हो गई ब्रांच्ड और सैचुरेटेड, क्योंकि डबल बॉन्ड तो नहीं है, सिर्फ ब्रांच डी तो है। तो आप चाहें तो आप ये तीन स्ट्रक्चर बना के ऐसे भी लिख सकते हैं इस वाले पॉइंट के बाद। अब नेक्स्ट आएंगे ब्रांचिंग, अगर हम करते हैं तो डिक्रीज हो जाती है एंटी हिस्टामिनिक्स प्रॉपर्टी, अगर हमने यहाँ पर ब्रांचिंग करी है, जैसे अगर हम किसी और के अंदर भी ऐसे ब्रांचिंग करते हैं तो डिक्रीज हो जाती है एंटी हिस्टामिन प्रॉपर्टी, सिर्फ और सिर्फ प्रोमेथाजीन को छोड़ के। तो प्रोमेथाजीन में तो नहीं होती है, ये प्रोमेथाजीन ही है, इसमें नहीं होती है डिक्रीज एंटी हिस्टामिन एक्टिविटी, लेकिन अगर हम किसी और में ऐड करते हैं तो वहां पर डिक्रीज हो जाती है एंटी हिस्टामिनिक्स एक्टिविटी, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट है बेसिक अमीन ग्रुप की जो टर्मिनल नाइट्रोजन है, यहां पर टर्मिनल किसको बोलते हैं, जो सबसे लास्ट वाला हो, तो हम इसकी बात करें, ये वाले नाइट्रोजन की बात, जो टर्मिनल नाइट्रोजन है वो टर्शियरी अमीन होना चाहिए, टर्शियरी अमीन मतलब तीन बॉन्ड होने चाहिए उसके। तो मैं यहां पर आपको बताऊं, देखो यहां पर कितने बॉन्ड है, तीन बॉन्ड ही तो है यहां पर, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, तो ये वाला जो नाइट्रोजन है कैसा हो गया, ये टर्शियरी हो गया यानी थर्ड डिग्री हो गया, ठीक है। मैक्सिमम एक्टिविटी के लिए ये ऐसा ही होना चाहिए, और जो पोटेंसी ऑर्डर है यानी सबसे ज्यादा एक्टिविटी जो होगी वो किसमें होगी, टर्शियरी में होगी, फिर सेकेंडरी में होगी और फिर प्राइमरी में होगी। तो सबसे ज्यादा अगर आपको एक्टिविटी चाहिए तो आपको टर्शियरी अमीन ही यहां पर ऐड करना होगा। इसके बाद अगर हम क्वार्टरनाइजेशन कर देते हैं यानी कि इसको क्वार्टरनरी अमीन बना देते हैं, एक और ग्रुप अगर ऐड करवा देते हैं, चार ग्रुप अगर ऐड, चार बॉन्ड अगर हमने यहां पर ऐड करवा दिए, तो जो एंटी हिस्टामिनिक एक्टिविटी है वो तो इंक्रीज नहीं होती है, नॉट नहीं होती है, लेकिन एंटीकोलिनर्जिक एक्टिविटी जरूर इंक्रीज हो जाती है। तो अगर आपको एंटीकोलिनर्जिक ड्रग बनाना है तो आप क्वार्टरनाइजेशन करवा सकते हैं, अदरवाइज टर्शियरी अमीन ही सफिशियंट है, ठीक है। तो ये हो गया इसका सार। इसके बाद में नेक्स्ट आएंगे हम सिंथेसिस पढ़ेंगे सिमेटिडीन की, और सिमेटिडीन जो है, सबसे पहले अगर आप इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं कि सिमेटिडीन यूज होता है एज एंटासिड, ठीक है, एंटासिड की तरह ये यूज होता है। इसके बाद में हम सिंथेसिस पढ़ेंगे सिमेटिडीन की। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो स्ट्रक्चर है सबसे पहले आप इसको याद कर लीजिए सिमेटिडीन का, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ अगर आपको सिंथेसिस पढ़नी है, जो जिसकी भी सिंथेसिस पढ़ रहे हो उसका स्ट्रक्चर याद कर लिया करो, बहुत इजी रहती है बाद में जो सिंथेसिस करना है वो, है ना। अब आप यहाँ पर देखेंगे अगर कि देखिए ये इतना स्ट्रक्चर जो है, सबसे पहले हमने यही ही उठा लेना है और यही ही लिख रहा है देखो यहां पर, ठीक है। तो अगर आपको स्ट्रक्चर याद है सिंपल, आपको ये उठा के रख देना है इधर। इसके बाद में देखिए आपको बेसिकली करना क्या है, यहां पर C2H5 लिख लेना है, ठीक है, पर आपको तो C00 नहीं चाहिए ना यहां पर, आपको क्या चाहिए है, यहां पर CH2 चाहिए, है ना। तो CH2 चाहिए सबसे पहले, तो सबसे पहले बना लो CH2OH, और CH2OH अगर हमें बनाना है तो एसिड या एस्टर का अगर हम रिडक्शन करवाते हैं, दो टाइम रिडक्शन करवाना पड़ेगा, क्योंकि एक बार रिडक्शन करवाने से तो एल्डिहाइड बनेगा, दो बार रिडक्शन करवाएंगे तब एल्डिहाइड से बन जाएगा एल्कोहल, ठीक है। तो इसका रिडक्शन इसीलिए हमने यहां पर दो बार करवाया है, ठीक है, दो बार हाइड्रोजन के साथ रिडक्शन करा लिया है, तो जो एस्टर ग्रुप है वो कन्वर्ट हो गया है एल्कोहल ग्रुप में, और ये अभी बन गया है CH2OH, ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखिए आपको क्या करना है, यहां पर आपका इतना स्ट्रक्चर बन गया है, इतना अगर आप देखेंगे नीचे, इतना स्ट्रक्चर बन गया है ये यहां तक, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको चाहिए अब SCH2
और उसके बाद में NH। तो अब आपको ऐड करवाना है ये, मैं यहाँ पर और थोड़ा अच्छे से बता देती हूँ। अब आपको कितना चाहिए, इतना स्ट्रक्चर तो आपका बन गया है और आपको अब यहाँ से इतना स्ट्रक्चर बनवाना है, ठीक है, ये बनवाना है। तो देखिए सीधा सीधा यही ही ऐड कर दिया यहाँ पर, ठीक है, अगर आप देखेंगे तो ये सीधा सीधा यही ही ऐड कर दिया है, बस एक हाइड्रोजन इधर बढ़ा दिया है, एक हाइड्रोजन इधर बढ़ा दिया है, ठीक है। जब हम इसको यहाँ पे ऐड करवाएंगे इस रिंग के ऊपर, तो देखिए होगा क्या, ये वाला जो हाइड्रोजन है ये वाले OH के साथ मिलके क्या बना लेगा, ये H2O बना लेगा और ये निकल गया बाहर, ठीक है, ये यहाँ पे लिख रहा है माइनस H2O, ये निकल गया बाहर और ये वाला जो पूरा स्ट्रक्चर है ये आके ऐड हो गया है इस CH2 पे। तो अब देखेंगे यहाँ पर ये वाला पूरा स्ट्रक्चर हो गया अभी ये, ठीक है। अब देखिए आपको अब बेसिकली करवाना क्या है, आपका इतना स्ट्रक्चर जो है ये यहाँ पे आके बन गया है इतना स्ट्रक्चर, ठीक है, ये बन गया इतना स्ट्रक्चर। अब आपको क्या करना है, आपका रहता है अभी ये वाला ग्रुप रहता है इतना, ठीक है, ये ग्रुप और बनवाना है आपको। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो देखिए ये वाला नाइट्रोजन, ये वाला सी और ये वाला एन, ये रहे यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद में ये डबल बॉन्ड और ये सी, इतना स्ट्रक्चर है ये, है ना। बस ये वाला NHCH3 है ना, ये एक साथ ऐड नहीं होता है, इसीलिए हमें पहले ये वाला ग्रुप ऐड करवाना पड़ेगा। तो हमने ये वाला ग्रुप ऐड करवा लिया है, अब ये वाला जो पूरा का पूरा ग्रुप है वो यहाँ पे आके ये ऐड हो गया है, है ना, ये ऐड हो गया। अब हमें क्या करवाना है, सीधा सीधा ये जो यहाँ पर सल्फर ग्रुप है, इस सल्फर ग्रुप को कन्वर्ट करवाना है। मैं एक बार मिटा के आपको अच्छे से बता देती हूँ, है ना, ये वाला जो सल्फर ग्रुप है आपको ये वाले सल्फर ग्रुप को किस में कन्वर्ट करवाना है, ये वाले NH में कन्वर्ट करवाना है। तो सीधा सीधा क्या करो, CH3NH2 की रिएक्शन करवा दो, ये वाला जो NH2 है ये यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा NH के फॉर्म में, ठीक है। तो ये यही हमने करवाया है और यहाँ पर अभी S की जगह क्या ऐड हो जाएगा, NH ऐड हो जाएगा, बाकी पूरा का पूरा स्ट्रक्चर वही सेम है। तो ये हो गया सिमेटिडीन का सिंथेसिस, ऐसे याद करोगे ईजी रहेगा, वैसे याद करोगे तो बहुत टफ हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम सिमेटिडीन के यूजेस पर, लास्ट टॉपिक बचा है ये इस वाले क्वेश्चन का। तो यूजेस सिमेटिडीन के, सिमेटिडीन H2 ब्लॉकर होता है यानी कि एंटासिड होता है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट आप वही लिख सकते हैं, है ना, यहाँ पर जितने भी यूज हैं वो एसिडिटी से रिलेटेड जो डिसीज होती हैं वो ही सारे के सारे उन्हीं डिसीजों के ट्रीटमेंट में इसको यूज करते हैं। जैसे कि ये यूज होता है ट्रीटमेंट ऑफ गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज, इसको GERD भी बोलते हैं। ये यूज होता है जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम में, ये यूज होता है ट्रीटमेंट ऑफ एस्पायरेशन न्यूमोनाइटिस, ये यूज होता है हार्टबर्न के ट्रीटमेंट में, एसिड इन डाइजेशन में और सोर स्टमक में। तो ये सारे के सारे जितने भी डिसीजेज हैं सारे के सारे किससे रिलेटेड है, एसिडिटी से रिलेटेड है ना। जब एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है तभी ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये वीडियो यहीं तक था, आई होप आपको पसंद आया हो। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। लास्टली थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।